राजेश शादी डॉट कॉम साइट गिरोह का पर्दाफाश। अब खबरें विस्तार से। छतरपुर शहर की ओरछा पुलिस ने गाय से भरा हुआ ट्रक को पकड़ा, जिसमें कई गायें मृत पाई गई। बताया जा रहा है कि ओरछा रोड बैरियर पर जब ट्रकों को रोका गया, उसी समय एक ट्रक जो काफी देर से स्टार्ट खड़ा हुआ था, जब इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली, जिसमें कई गायें भरी हुई थी, जिनको जब्त कर लिया गया, लेकिन ट्रक का स्टाफ पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग गया। पुलिस ने ट्रक का पंचनामा बनाकर गायों को नौगांव गौशाला भेजा, जहां पर कई गायें मृत अवस्था में मिली हैं। मेरा नाम डॉक्टर आर्य सेन है, मैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी विकास खंड नौगांव जिला छतरपुर हूँ, और मुझे आज जैसे ही गौशाला के जो अध्यक्ष हैं संजीव, अपने इन्होंने सूचना दी कि एक कोई ट्रक पकड़ा है ओरछा थाने में, उसमें कुछ गाय घायल हैं, बीमार हैं। मैंने अपने चिकित्सा दल को बुलाया, अस्पताल से तुरंत दवाइयां मंगाई, और जैसे ट्रक आया है तो कार्यक्रम अभी चल रहा है, जो गाय घायल हैं उनकी चिकित्सा की जा रही है, जो गाय और सांड या बछड़े बैल हैं जो मर चुके हैं उनके पीएम की व्यवस्था की जा रही है। इस ट्रक में कम से कम 40-50 गाय होना चाहिए, जिसमें से लगता है कि 50% से अधिक मृत होना चाहिए। अब जब तक तो तभी पता चल पाएगा कितने जीवित मृत है, जब नीचे आ जाएं, क्योंकि नीचे उतारने का कार्य चल रहा है। बुरी तरह से कुछ पशु मर के सड़ भी गए हैं, जिनका कि बॉडी वेट बहुत हो गया है, फूल भी गए हैं, उनमें बदबू भी आ रहे हैं, मतलब पार्शियली प्यूटिफाइड हो चुके हैं वो, उनमें कीड़े और मक्खियाँ भी बहुत अधिक मात्रा में लगी हुई हैं। क्या डॉक्टर साहब लगता है आपको कितने दिन हो गए? ये ऐसा लगता है कि कम से कम ये जो मृत पशु हैं इनको लगभग 48 घंटे मृत हुए हो चुके हैं, और ये बड़ी क्रूरता के साथ, बड़ी निर्दयता के साथ इसमें भरा गया है कि उनकी गर्दन और उनके आगे के पैर बंधे हुए हैं, जिससे ना तो वो खड़े हो पा रहे हैं, उसमें पूरे ट्रक के अंदर घुसे हुए हैं, उसमें जो कीचड़ मिट्टी गोबर है उसके कारण उनको बहुत परेशानी, उनको सांस लेने की भी कहीं जगह नहीं है। फर्जीशादी.com साइट के द्वारा लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड को राज्य साइबर सेल जॉन जबलपुर ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी छत्तीसगढ़ का निवासी है, जो वर्तमान में भगलपुर बिहार में निवास कर रहा था। आरोपी छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में फर्जी मैट्रिमोनियल ऑफिस चलाया जा रहा था, जो अपने अन्य साथी आरोपी के साथ शादी कराने के नाम पर फर्जी दस्तावेज पर कार्यालय का रजिस्ट्रेशन कराकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा था। यह गिरोह विधुर तलाशशुदा बेशकों को ठगी का शिकार बनाता था। इसमें ऐसा है कि जैसे मैट्रिमोनियल साइट में एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, तो जो लोग ऐसे हैं जो कि एज ज़्यादा हो चुकी है जिनकी, जो तलाकशुदा हैं, परेशान हैं, ऐसे लोगों पर ज़्यादा लड़कियां फोकस करती हैं। इनको अपनी बातों में बहला के, फुसला के, उनकी समस्याएं जान के, फिर किसी न किसी प्रकार से उनको ये सिद्ध करने की कोशिश करती हैं कि भाई वास्तव में यही लड़कियां हैं जो इनकी मदद कर सकती हैं। फिर जब व्यक्ति एक बार रिलेशन में आ जाता है तो उसके बाद फिर वो आसानी से पैसे देने लगता है। बाकी ऑनलाइन की बात करें तो ये इनने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ही कर रखा था, और उसमें ये ऑप्शन था कि हम आपको, आपके लिए जो भी मतलब लड़की सुटेबल होगी उसका हम नंबर दे देंगे, आप उससे बात कर सकते हैं। ये वाली चीज़ है। ओके, इनने एक मैट्रिमोनियल साइट में रजिस्टर किया था जीवनजोड़ी.com करके, तो इसमें पता चला विवेचना के बाद कि ये छत्तीसगढ़ से संचालित है। जो संचालक थे इसमें, ये लोग लड़कियों को इस बात के लिए बोला करते थे कि आप लोगों से बात करें और इनसे विभिन्न प्रकार से पैसे लें। अब चूंकि आवेदक विश्वास में आ जाते थे तो ये लोग किसी ना किसी वजह से उनके अकाउंट में पैसे डाल दिया करते थे। पूर्व में जब इसमें विवेचना की गई थी तो करीब 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे, जिसमें लड़कियां भी थीं जो बात किया करती थी। जो मुख्य इनके संचालक थे, जो मुख्य आरोपी थे, ये इधर उधर कई स्थानों पर फरार थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दबिश दी गई तो वहाँ ये मिले नहीं थे। तो फाइनली अब जब कई प्रकार से प्रेशर पड़ा है तो ये जबलपुर आए थे किसी वजह से, तो इनको